Have you lost your phone? I know, it's frustrating and even painful अगर घर वालों को पता चल जाए. लेकिन now what's done. Now is the time to protect your data ताकि कोई mishap ना हो पाए. अब data कैसे protect करोगे? मैंने एक detailed guide बनाई है जिसको follow करके आप अपने data को protect कर सकते हो, किसी भी mishap को होने से बचा सकते हो. First step would be to block your phone. अब आपको करना क्या है, यू हैव टू गो टू CEIR, द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ टेली कम्युनिकेशन जो डिस्करेज करता है मोबाइल थेफ्ट. और अगर इन केस आपका फ़ोन चोरी हो गया है तो उन केसेस में आप अपने डेटा को ब्लॉक कैसे करवा सकते हो, फ़ोन को कैसे ब्लॉक करवा सकते हो. द वेबसाइट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज थिंग्स. अब जाओगे कैसे, वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो टू गूगल एंड टाइप www.ceir.gov.in और यहाँ पे आपको कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करनी होंगी. एक फॉर्म जैसा आपको दिखेगा, वहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन का इनवॉइस जो है, या फिर आपने जो FIR लॉन्च की होगी उसकी जो कॉपी है, ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होंगी. आपका जो फॉर्म है वो एक्नॉलेज हो जाएगा और आपकी जो कंप्लेन है उसको प्रोसेस आगे कर दिया जाएगा. नाउ सेकंड वुड बी इरेज योर डेटा. अब आपको करना क्या है, इफ़ यू आर एन एंड्रॉयड यूज़र, आपको जाना है गूगल पे और आपको टाइप करना है www.googleid/android/find.com. यहाँ पे आपको अपना जो गूगल पासवर्ड है वो और गूगल आईडी, इन दोनों को डाल देना है. जैसे ही आप ये फिल करोगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा टू इरेज द डेटा. आपको उस पर टैप करना है और जो भी ऑप्शन आपके सामने आए, इंडिकेशन आए, उस पर आपको टैप कर देना है और आपका डेटा जो है वो डिलीट हो जाएगा. Now, if you are an iPhone user, you have to go to any web browser and type www.icloud/find.com और यहाँ पे आपको अपनी Apple ID और पासवर्ड फिल करना होगा. इसके बाद आपको एक इंडिकेशन दी जाएगी जिसमें आपको मैसेज या नंबर डालने के लिए कहा जाएगा. तो वहाँ पे आप एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं हाउ टू कॉन्टैक्ट यू, और वहाँ पे जाके अपना डेटा इरेज कर सकते हैं. इसके बाद अगर आपका डिवाइस ऑफलाइन है तो जो डेटा है वो इमीडिएटली इरेज नहीं हो पाएगा, बट जैसे ही आपका डिवाइस अगली बार ऑनलाइन होगा आपका सारा डेटा इरेज हो जाएगा. एंड इन केस इफ़ यू फाइंड योर डिवाइस बिफोर इरेजिंग द डेटा, तो उसका ऑप्शन भी वहाँ पे अवेलेबल होगा और आपका डेटा रिट्रीव हो जाएगा. थर्ड वुड बी टू ब्लॉक योर सिम कार्ड. दिस इज़ वेरी क्रूशियल. बहुत सारे केसेस में लोग अपना सिम कार्ड ब्लॉक करवाना भूल जाते हैं और ऐसे केसेस में फाइनेंशियल फ्रॉड्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. आपको करना क्या है, यू हैव टू गो टू योर सिम ऑपरेटर. जो भी आपने कंप्लेन फाइल करी है उसकी कॉपी लेकर जाकर उसको दिखा दीजिए एंड योर सिम कार्ड विल बी ब्लॉक्ड. दीज वर ऑल द थिंग्स दैट यू कुड फॉलो इफ यू हैव स्टोलन योर फोन. लेकिन अगर आपका फोन नहीं खुआ है होपफुली, तो आप कुछ ये वाले स्टेप्स भी ले सकते हो जिनके बारे में मैं अभी बात करने वाली हूँ. एंटी थेफ्ट ऐप्स हैं जिनको आप इंस्टॉल कर सकते हो और फ़ोन खोने से पहले या इन केस खो जाए तो आप बहुत जल्दी ट्रैक कर सकते हो. हमेशा अपने फ़ोन में फाइंड माई डिवाइस ऑन करके रखो और कोशिश करो कि ऐसे फ़ोन्स खरीदो जिसमें नॉन रिमूवेबल बैटरीज हों. इससे होगा क्या कि आपका जो फ़ोन है वो बहुत जल्दी से ट्रैक नहीं हो पाएगा. एंड दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो. These were all the steps that you could follow if your phone is stolen and if not stolen. This is Vanshika signing off. See you in the next one.